एनआरएस अस्पताल में चिकित्सकों पर हमले की घटना के 115 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आंदोलन जारी है। शनिवार जो हालात हैं उसके मुताबिक अस्पताल के दोनों प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अंदर जाने वाले हर एक शख्स का पहचान पत्र देखा जा रहा है। रोगियों के साथ आने वाले परिजनों को भी कम संख्या में अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। इमरजेंसी में काफी गंभीर हालत में बीमार मरीजों को ही देखा जा रहा है। आउटडोर अभी भी बंद है। इसके अलावा पैथोलॉजी, एक्सरे और अन्य चिकित्सा परिसेवा पूरी तरह से बंद कर रखा गया है। इधर अस्पताल में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर अपने रुख पर कायम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। करीबन 200 की संख्या में जूनियर डॉक्टर पहले से ही आंदोलनरत थे। उनका साथ अस्पताल की नर्सें भी दे रही हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवा और अधिक बाधित हुई है। भले ही आपातकालीन सेवा शुरू हो गई है, लेकिन रोगियों को देखने के लिए नर्सों की संख्या कम है। इधर एनआरएस के अलावा एसएसकेएम, आरजीकर मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि यहां के सभी डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। आरजीकर अस्पताल के 100 से अधिक डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। नर्स भी इनके साथ आ गई है। इसलिए अस्पताल खुला होने के बावजूद किसी भी रोगी को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है। इसके अलावा बर्धमान मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, बांकुड़ा जिला अस्पताल, उत्तर 24 परगना के सागर दत्त मेडिकल कॉलेज समेत राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों में आउटडोर बंद है। इमरजेंसी खुले होने के बावजूद इलाज नहीं मिल रही है, क्योंकि अधिकतर सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों समेत सभी फैकल्टी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इसलिए वहां के हालात और भी बदतर हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो शनिवार को भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से विकल पड़ी हुई है। गौर हो कि 10 जून की रात 75 साल के मोहम्मद शाहिद नाम के एक वृद्ध की मौत के बाद करीबन 200 की संख्या में लोग अस्पताल में घुसे थे और लापरवाही का आरोप लगाकर जूनियर चिकित्सकों की बर्बर तरीके से पिटाई की थी। इसमें एक डॉक्टर की खोपड़ी टूट गई है, जबकि दो का सिर फट गया है। उसके बाद से राज्य भर के चिकित्सक हड़ताल पर हैं।